हाथों की सुरक्षा। कार्यस्थल पर कार्य करते समय हाथों पर चोट लगना आम बात है, जैसे कटना, खरोच लगना, चुभना आदि। हर साल कार्यस्थल पर 10% चोटें हाथों से संबंधित होती है। हाथों की चोटों से बचने के लिए कर्मचारियों को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कर्मचारियों को हमेशा कार्यस्थल पर कार्य करते समय औजारों को हल्के हाथों से पकड़ना चाहिए। कर्मचारियों को कार्य शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मशीन पर उपयुक्त गार्ड लगे हैं या नहीं, तथा मशीनों पर हमेशा उपयुक्त गार्ड लगे होने चाहिए। कार्यस्थल पर कार्य करते समय कर्मचारियों को कार्य के अनुसार दस्ताने पहनने चाहिए। कार्यस्थल पर कभी भी उपकरणों का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका गलत उपयोग करने से हाथों में चोट लग सकती है। कंपन से बचने के लिए कर्मचारियों को गद्देदार ग्रिप का उपयोग करना चाहिए। हाथों की चोटें। कार्यस्थल पर हाथों में चोट लगना आम बात है, लेकिन कार्यस्थल पर पानी का असुरक्षित तरीके से उपयोग करने पर कर्मचारियों के हाथों में चोट लग सकती है। कार्यस्थल पर लगभग 10% चोटें हाथों की चोटों से संबंधित होती है। कर्मचारियों को कार्यस्थल पर हाथों की चोटों से बचने के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कर्मचारियों को कार्यस्थल पर कभी भी पानी से अपने हाथ पर नहीं मारना चाहिए। कार्यस्थल पर कर्मचारियों को टूटे या घिसे सिर वाले पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए और क्षतिग्रस्त पाने को कार्यस्थल से हटा देना चाहिए। कर्मचारियों को पाने का उपयोग हथौड़ी की तरह नहीं करना चाहिए। कार्यस्थल पर कर्मचारियों को नट के लिए उनके आकार से लंबे पाने का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कर्मचारियों के हाथों पर चोट लग सकती है। हाथों के उपकरणों से सुरक्षा। हाथों के उपकरण दिखने में सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन इनके गलत उपयोग से कर्मचारियों को चोट लग सकती है। कार्यस्थल पर लगभग 8% चोटें हाथों के उपकरणों के अनुचित उपयोग से होती है। कार्यस्थल पर कर्मचारियों को हाथों के उपकरणों से सुरक्षा के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कार्यस्थल पर सभी उपकरणों को अच्छी स्थिति में रखना चाहिए और समय समय पर इनकी साफ सफाई करनी चाहिए। कर्मचारियों को कार्यस्थल पर कभी भी क्षतिग्रस्त उपकरणों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कार्यस्थल पर उपकरणों का उपयोग करने से पहले कर्मचारी उपकरणों से संबंधित दिशा निर्देशों को पढ़े और उनके अनुसार ही उपकरणों का उपयोग करें। कर्मचारियों को हमेशा कार्यस्थल पर कार्य के लिए सही उपकरणों का ही उपयोग करना चाहिए। कार्यस्थल पर कर्मचारियों को उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। चाकू का उपयोग करते समय सुरक्षा। चाकू एक ऐसा औजार है जिसका उपयोग हम प्रतिदिन करते हैं। सावधानी पूर्वक उपयोग करने पर चाकू एक बहुत ही महत्वपूर्ण औजार है, लेकिन इसका अनुचित तरीके से उपयोग करने पर कर्मचारियों को चोट लग सकती है। कार्यस्थल पर हाथों में लगने वाली 1/3 चोटों का कारण चाकुओं का असावधानी पूर्वक उपयोग करना है। कार्यस्थल पर कर्मचारियों को चाकू का उपयोग करते समय सुरक्षा के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कर्मचारियों को कार्य शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चाकू की ब्लेड कार्य के अनुरूप है। चाकू का उपयोग करते समय अन्य कर्मचारियों से बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बातें करने से आपका कार्य से ध्यान हट सकता है। हमेशा तेज धार वाले चाकू का उपयोग करना चाहिए। तेज धार वाले चाकू के लिए कम दबाव की आवश्यकता होती है और इससे बेहतर संतुलन प्राप्त होता है। कर्मचारियों को कार्यस्थल पर हमेशा चाकुओं को साफ रखना चाहिए। चाकुओं को केवल उसके हैंडल से ही पकड़ना चाहिए।
पेचकस के रूप में चाकुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। इनका उपयोग केवल काटने के लिए ही करें। चाकुओं का उपयोग करते समय कर्मचारियों को उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिए, जैसे दस्ताने, चश्मे, उचित जूते आदि। कार्यस्थल पर चाकू को उपयोग में लेने वाले व्यक्ति को कभी भी नहीं डराना चाहिए। हाथ से चलने वाली ट्रॉली का सुरक्षित उपयोग। कम दूरी पर सामान को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ठेले या ट्रॉली का उपयोग सभी निर्माण स्थलों व गोदामों में किया जाता है। कार्यस्थल पर ट्रॉली का अनुचित तरीके से उपयोग करने पर कर्मचारियों को चोट लग सकती है। कार्यस्थल पर कर्मचारियों को हाथ से चलने वाली ट्रॉली से सुरक्षा के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे ट्रॉली पर इतनी ऊंचाई तक भार ना रखें कि आपको सामने का रास्ता ही दिखाई ना दे। कर्मचारियों को ट्रॉली पर सामान रखते समय अपने पैरों को पहिए से दूर रखना चाहिए। कर्मचारियों को कार्यस्थल पर हमेशा उचित भार उठाने की तकनीकों को उपयोग में लेना चाहिए। कार्यस्थल पर जहां पर ढलान 5 डिग्री से ज्यादा हो वहां ट्रॉली का उपयोग नहीं करना चाहिए। कार्यस्थल पर कर्मचारियों को सामान्य गति से चलना चाहिए और ट्रॉली को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। कार्यस्थल पर ट्रॉली का उपयोग करते समय कर्मचारियों को पीछे की ओर नहीं चलना चाहिए। ट्रॉली का उचित रखरखाव करें और उपयोग करने से पहले प्रत्येक दिन ट्रॉली की जांच करें। अगर ट्रॉली में कोई यांत्रिक खराबी हो तो इसकी तुरंत रिपोर्ट करें और इसकी मरम्मत करवाएं या इसे बदल दें। कर्मचारियों को जब तक संभव हो हैंड ब्रेक्स और नकल गार्ड्स लगी ट्रॉली को ही उपयोग में लेना चाहिए। कार्यस्थल पर ट्रॉली का उपयोग करते समय कर्मचारियों को उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिए। पिंच पॉइंट्स सेफ्टी टिप्स। पिंच पॉइंट वह जगह है जहां कोई व्यक्ति या व्यक्ति के शरीर का कोई भाग एक स्थिर वस्तु या दो चलती हुई वस्तुओं या पुर्जों के बीच में फंस सकता है। पिंच पॉइंट पर ना केवल शरीर का कोई अंग बल्कि पूरा शरीर दो वस्तुओं या पुर्जों के बीच में फंस सकता है, जिसके कारण कर्मचारियों को चोट लग सकती है। कार्यस्थल पर पिंच पॉइंट से सुरक्षा के लिए कर्मचारियों को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कर्मचारियों को कार्य शुरू करने से पहले यह जांचना चाहिए कि उपकरणों पर सभी गार्ड सही जगह पर लगे हुए हैं या नहीं। कार्यस्थल पर कर्मचारियों को कार्य करने से पहले सभी संभावित पिंच पॉइंट्स की पहचान करनी चाहिए। किसी भी रखरखाव के कार्य को शुरू करने से पहले कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपकरणों को विद्युत प्रवाह से हटा दिया गया है। कर्मचारियों को कार्यस्थल पर हमेशा सतर्क रहना चाहिए और कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। कर्मचारियों को कार्य शुरू करने से पहले उपकरणों से संबंधित सभी दिशा निर्देशों और कार्य प्रक्रियाओं का अध्ययन करना चाहिए। इसके द्वारा सभी संभावित पिंच पॉइंट्स की पहचान की जा सकती है। कर्मचारियों को कार्यस्थल पर उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिए।